बोलने के लिए बोलता हर कोई है, ठीक है, लेकिन प्रूफ कोई नहीं देता है। और प्रूफ के साथ जो पेपर में छप गया है ना, सबका फट के दरवाजा लग गया। बोलने के लिए तो बोलेगा 750, 500, 400, अब 750 गुरु रहमान जितना को बोले लगा, उतना का प्रूफ दे दिए। 750 झूठ के हवा अब फैला बस रहा था यही गुरु रहमान वजह है जो अनाप शनाप मन हो रहा है, बोल रहा है, ठीक है। और एक बात जानिए, एक बात हम आपको बता रहे हैं, देखिए, सफाई कौन देता है? जो गलत करता है, जो झूठ बोलता है। जैसे आपके जीवन में हुआ होगा, कभी ना कभी आप इस चीज को महसूस किए होंगे कि जैसे एक झूठ बोले, उस झूठ को बोलने के लिए कितना सफाई देना पड़ता है, सफाई पे सफाई देना पड़ता है, झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। और जब हमने गलत किया ही नहीं है, जब हमने झूठ बोला ही नहीं है, तो सफाई किस बात का, किस बात का सफाई? जो झूठ बोलता है, जो गलत करता है, सफाई वो ना देता है, समझे? तो और वो लोग क्या बोलेंगे हो, एक बात बताइए, वो लोग हम पे क्या सवाल उठाएंगे? जो लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए पूरे भारतवर्ष में जो है रेलवे स्टेशन पर अपना एड देते हैं, वो लोग क्या बोलेंगे जो कपिल शर्मा शो में पैसा दे करके चेहरा चमकाते हैं? क्या बोलेगा उसको, समझे? कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा शो में लोग क्यों जाते हैं? जैसे आप देखेंगे नया फिल्म रिलीज होता है प्रचार तो करना चाहिए, उसका प्रमोशन करने के लिए जाता है इन्फॉर्मेशन। हीरो हीरोइन, और हीरो हीरोइन जो प्रमोशन करने के लिए जाता है, आपको पता है प्रोड्यूसर, उस सिनेमा का प्रोड्यूसर सोनी सोनी टीवी या जिस भी चैनल पर होता है उसको पैसा देता है, तब जाकर के प्रमोशन होता है, ऐसे थोड़े होता है प्रमोशन, समझे? तो दूसरे को ज्ञान देना बड़ी आसान है, समझे? और जब हम धागा खोलना शुरू करेंगे ना, झूठ पे झूठ, बताइए, किसान कोल्ड सेंटर में 2017-18 का बात है, 2018, 2017 में हम कोचिंग खोले हैं, 2018 का बात है, बम गिरा है हमारे क्लासरूम के जस्ट आगे, और लोग बोलता हमारे पैर पर बम गिराया। हम धागा खोलना शुरू करेंगे ना, समझे? तो हम देखिए सम्मान करते हैं सब लोग का, और हम यही चाहते हैं कि धागा अपना मत खुलवाइए फालतू का, समझे? नहीं तो नस नस से वाकिफ है। अगर आप हमसे वाकिफ हैं तो हम भी आपसे, आपके नस नस से वाकिफ है। आपका धागा खोलना शुरू किए तो आपका पेंट गीला हो जाएगा। तो बीपीएससी में थर्ड रैंक वाली लड़की को खरीदने का काम किया, और उस लड़की का जो है कहीं पर बाइट नहीं चला है, एक दो जगह अपने मुताबिक बाइट चलवाया है, समझ गए? देखिए एक बात आप जानिए, जो जैसा होता है ना, सामने वाले को भी वैसा ही समझता है। जो जैसा होता है सामने वाले को ही वैसा समझता है। जैसे मान लिया जाए आप पढ़ने वाले हैं, आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा सब कोई पढ़ रहा है। आप नहीं पढ़ने वाले हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कोई नहीं पढ़ रहा है। तो जो जैसा होता है ना सबके बारे में, वो वैसा ही सोचता है, समझे? और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब हमारा समाज अपने संस्थान में जो है, पिछले दिन लल्लन टॉप वाले आए हुए थे, अपने संस्थान में ही कुछ लड़की है, जब पटना पढ़ने के लिए आई तो उनको लेकर के समाज बोला कि फल्लमा की लड़की तो भाग गई। तो समाज जब अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता है, और ये समाज जब भगवान राम को नहीं छोड़ सकता है, भगवान राम को हमारा समाज छोड़ा है, नहीं छोड़ा, तो हम कौन खेत का मूली है? और हमारे विपक्षी हैं तो विपक्षी में ना बात करेंगे। अब मोदी जी के विपक्षी राहुल गांधी है तो राहुल गांधी विपक्षी में ना बात करेंगे, समझ गए? और राहुल गांधी का विपक्षी मोदी जी है तो मोदी जी तो विपक्षी में बात करेंगे, समझे? तो बस हमारा अपना है कि हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट हो करके, अपने काम से मतलब रखते, अपने काम को करते रहते हैं। ये सब बात हमको बोलना शोभा नहीं देता है, और हम नहीं बोलना चाहते हैं। जब हमने गलत ही नहीं किया है, सफाई किस बात का, किसी भी बात का कोई सफाई नहीं। और जब भगवान राम को समाज नहीं छोड़ा है तो हम कौन खेत का मूली है महाराज, समझ गए? तो हम यही कहेंगे, अपना काम करते रहिए, और धागा खोलने के लिए सबका पिटारा मेरे पास है, लेकिन उतना फालतू समय हमारे पास नहीं है, पर्दे पढ़ाने से फुर्सत नहीं है।
हमको तो पढ़ना भी होता है, पढ़ाना भी होता है। बहुत सारे लोग तो अब हवाबाजी पर जो है चल रहा है कोचिंग, समझ गए, हवाबाजी पे कोचिंग चल रहा है। तो यहाँ पर वो बात थोड़े है, हमेशा सब चीज परिवर्तित होते रहता है, नोट परिवर्तित होते रहता है, हमेशा सब चीज जो है आगे परिवर्तन नियम है, समझ गए। बायोलॉजी का नोट 5 बार में बना है, अब जो पुख्ता नोट बायोलॉजी का बना है 5 बार में, केमिस्ट्री का नोट 4 बार 5 बार में बना है, पॉलिटिकल नया नोट आया है, नया क्वेश्चन बैंक आ रहा है। यहाँ पर वो बात थोड़े, हम लोग अपने से काम करते हैं हर चीज पे, क्वेश्चन बैंक पे अपने से काम करते हैं, स्टडी मटेरियल पर अपने से काम करते हैं, हवाबाजी वाला बात नहीं करते। जितना विद्यार्थी को पढ़ाते हैं ईमानदारी से पढ़ाते हैं, समझ गए, और ईमानदारी का पैसा कमाते हैं। और एक बात जान लीजिए, और हम आपको यहाँ पर कहना चाहेंगे, कमाने के लिए कमाता हर कोई है, लेकिन देने का जो गट्स होता है ना, देने का गट्स किसी में नहीं होता है, गिफ्ट देने का गट्स किसी में नहीं होता है, इस बात को आप जान लीजिए। और जैसे क्रिकेट होता है, आईपीएल होता है, विश्व कप होता है, उसमें इनाम की राशि क्यों रखी जाती है, 20 करोड़, 25 करोड़, 12 करोड़, क्यों इनाम की राशि रखी जाती है, इनाम की राशि क्यों रखी जाती है, सोचने वाली बात है। तो हम कमाते हैं, हम लुटाते हैं, हमारा मन है, हम अपने विद्यार्थी को बुलेट दे, थार दे, जो मन होगा हम वो दे देंगे। देने का गट्स किसी में नहीं है, इस बात को जान लीजिए। देने का गट्स होता ना तो वो भी देता। और आज के डेट में क्या है जानते हैं, यानी हम करे तो रासलीला, तू करे तो कैरेक्टर लीला, वही काम वो करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोशन आनंद करेगा तो उसका कैरेक्टर लीला है। तो हमने देने का गट्स है, हम देते आए हैं, हम शुरू से जिस रोज से कोचिंग खोले हैं ना, इनाम के तौर पर, जिस टाइम में हमारा औकात 20 रुपया का था ना, विद्यार्थी को 20 रुपया इनाम के तौर पर देते थे, आज हमारा औकात 5,000 का है, विद्यार्थी को देने का गिफ्ट, तो हम 5,000 का गिफ्ट दे रहे हैं। और आज हमारा औकात बुलेट देने का, तो हम बुलेट दे रहे हैं। और आज हमारा औकात थार देने का, थार दे रहे हैं। तुमको भी अगर औकात है तो तुम दो, समझ गया। तो हम अपने अनुसार काम करेंगे, हम किसी के कहने के अनुसार काम नहीं करने वाले, हमको जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। हम अपना किडनी बेच के विद्यार्थी को दे देंगे, तुमको देने का है दो, ठीक है। तो देने का औकात किसी में नहीं होता, इस बात को आप जान लीजिए। देने का औकात किसी में नहीं होता, लेने का औकात हर किसी को है, देने का औकात नहीं होता है। तो देने का औकात ही नहीं है तो देगा खाक। चलिए अब आइए पढ़ते हैं। दबदबा था, दबदबा है, आगे बीपीएससी में पैर न रखने जा रहे हैं, और भी फट करके दरवाजा लगेगा। जितना ही काम करते हैं बड़ी ईमानदारी से करते हैं, और बीपीएससी में भी परचम लहराएगा, हम आपको बता रहे हैं, 71वीं बीपीएससी में अपने संस्थान का परचम लहराएगा, हम लिख करके दे रहे हैं। 70वीं बीपीएससी का बात नहीं करेंगे, लेकिन 71वीं बीपीएससी में अपने संस्थान का परचम लहराएगा, जैसे दरोगा रिजल्ट में अपने संस्थान का परचम लहराया, उस पे काम कर रहे हैं, समझे। आइए अब पढ़ते हैं। एक सूचना है, सूचना यह है कि बिहार दरोगा सेकेंड बैच कल से 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, और समय है सुबह 10 से 1।